तो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है? वेज बढ़िया, जगास बिंदास। एंड अगर आप इस वीडियो के थंबनेल पे क्लिक किए हो तो जरूर आप एमएम यूनिवर्सिटी में एमबीए करना चाह रहे हो। तो आज की इस वीडियो में मैं सारा चीज़ क्लियर कर दूंगा, क्या एमबीए करना यहाँ से बढ़िया रहेगा आप लोग के लिए या नहीं, और भी सारी चीज़ें जो भी एमबीए रिलेटेड जो भी कंपनियाँ आती है, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, तब जाके आपको कुछ समझ में भी आएगी। ओके गाइज, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है, ओके, जो भी आप बीबीए या बीएससी या फिर बायोटेक कुछ भी करने के बाद आप एमबीए कर सकते हो। एमबीए यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग ओके, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में भी होता है एमबीए। उसके बाद एमबीए का यहाँ का जो एमबीए का जो फीस है, अगर आप डीआरसीसी के थ्रू आते हो तो 4,40,000 में भी या 4,25,000 में आपको टोटल इंक्लूड हॉस्टल में सारा मिल जाता है। ऐसे भी आप अगर आप ईयरली बेस अगर आप कैश में पे करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। मैं आप लोग को बता दूंगा कि कैसे आप लोगों को, मतलब क्या बोलते हैं, जो भी आप लोग का फी स्ट्रक्चर रहेगा सारा चीज मैं वहां पे आप लोगों को शेयर कर दूंगा। यहाँ से कैसा सिस्टम है यहाँ पे एमबीए के लिए और कैसे क्या क्या हम कर सकते हैं सारी चीजें बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले एमबीए का जो बिल्डिंग है यहाँ पे, जिसमें बीबीए, एमबीए, बीकॉम और एमकॉम सारा चीज होता है, तो एमबीए कहीं ना कहीं यहाँ पे एमबीए बहुत ही बढ़िया है। ओके, एमबीए के लिए यहाँ पे आप जब जैसे ही आप लोग एमबीए में यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोग का एप्टीट्यूड टेस्ट हो, जिसको पर्सनल इंटरव्यू कहा जाता है, आपसे का पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। वहाँ पे आपको पहले वो आप लोग क्रैक करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप लोग का यहाँ पे एडमिशन होता है। ये तो हो गया यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको 60% मार्क होना चाहिए, अगर आपका 60% मार्क नहीं है फिर आपको एमबीए में यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। ओके, तो 60% मार्क होना चाहिए ग्रेजुएशन में। उसके बाद आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो आप लोग को क्रैक करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे गाइस आप लोग का एडमिशन मिलता है। अब एडमिशन का क्या प्रोसेस है मैं बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले गाइस आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो मैं आप लोग को बता दूं, जो भी बंदा यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो रजिस्ट्रेशन आप लोग खुद वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो। पर भाई, अगर वहाँ पर जाते हो तो मान लो कि जो कैश से पढ़ रहे हो उनका तो ठीक है, चलो उनका कोई सिस्टम नहीं है लोन वगैरह का, पर जो बच्चे यहाँ पे लोन के थ्रू आना चाहते हो, जो भी डीआरसीसी के थ्रू आना चाहते हो या जो बच्चे यहाँ पे लोन के थ्रू आना चाहते हो, उनको भाई रजिस्ट्रेशन के टाइम अगर आप किसी स्टूडेंट का रेफर लेके एडमिशन करवाते हो ना, तो सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट का रेफर लेके एडमिशन करवाते हो तो आपको 200 रुपये का डिस्काउंट मिल जाता है रजिस्ट्रेशन पे, जो कि 1200 का जो रजिस्ट्रेशन होता है मात्र 1000 रुपये में आप लोग का हो जाएगा। तो भाई, अपने जो भी भाई आप लोग का पढ़ रहा है यहाँ पे, जो भी दीदी पढ़ रही है, जो भी पढ़ रहा है यहाँ, जो भी स्टूडेंट इसमें पढ़ रहा है, आप उनको बोलो कि वो आपका रेफर कर दे। अगर वो आप लोग गाइस रेफर कर देता है तो आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है, आप लोग को 2 सीटर हॉस्टल भी मिल जाता है, सारा चीज आप लोग का बढ़िया से हो जाएगा यहाँ पे। तो आप स्टूडेंट रेफर के थ्रू लो, अगर आपके पास कोई स्टूडेंट नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मैं भी बिहार से हूँ तो मैं आप लोग को रेफर कर दूंगा। ओके, चाहे स्क्रीन में मेरा नंबर देख रहे हो आप, मुझे वहां पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एमबीए का प्लेसमेंट की बात कर, देखो भाई एमबीए में ओवरऑल बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी आती है, बहुत सारे बैंक सेक्टर से भी आते हैं, इंडस्ट्रीज भी आती है। तो कई अगर एमबीए का प्लेसमेंट की बात करें तो गाइज 93% प्लेसमेंट यहाँ पे हो ही जाता है ऑलमोस्ट। गाइज अगर हम मिनिमम पैकेज की बात करें तो गाइज 3-3.5 इज मिनिमम पैकेज रहता है, और अगर हम क्या बोलते हैं एवरेज की बात करें तो भाई 6-7 एवरेज रहता है। हाईएस्ट की बात करें तो गाइज इस बार जो मेरे सामने गया है वो 17 लाख रुपये गया है, इससे पहले का मुझे नहीं पता, आप वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो मैं वो भी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मैं उसमें ये चीज़ मैं आप लोग को कर दूंगा कैसे क्या सिस्टम है सारा चीज। तो रजिस्ट्रेशन हो गया, एडमिशन के लिए गए, अगर आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको 5000 रुपये का बोनाफाइड के लिए लगता है, फिर जो भी पैसा रहता है जो कॉलेज आने के बाद होता है, तो वो सारा चीज अगर आप मुझे कॉल करते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हो, तो मैं आप लोग को सारा चीज समझा दूंगा। तो प्लेसमेंट भी ओवरऑल बहुत बढ़िया है, बड़ी बढ़िया बढ़िया कंपनी आती है, बैंक सेक्टर से भी आते हैं। मेरा खुद का फ्रेंड भाई बीबीए कर रहा है यहाँ से, ओके, जो मेरा रूममेट है वो बीबीए कर रहा है, उसका प्लेसमेंट लग गया, वो अभी दिल्ली में है। तो भाई अगर बीबीए वाले का बढ़िया प्लेसमेंट दे रहा था यहाँ, तो एमबीए करना है तो एमबीए का काफ़ी बढ़िया है। अगर एमबीए का हम ड्रेस कोड की बात करें तो गाइस ग्रे टी शर्ट आप लोगों को मिलता है, और ठंडे के लिए ग्रे आप लोगों को हुड्डी मिलता है, और अगर मतलब क्या बोलते हैं एमबीए का तो ऐसा होता है ग्रे अभी मिल रहा है, पर इंटरव्यू देने जाते हो तो उस टाइम कॉलेज की तरफ से आपको ब्लेजर भी प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो ग्रे टी शर्ट और नीचे आप लोग जींस डाल सकते हो, और ब्लैक शूज आप लोग को डालना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ ओवरऑल मैंने बात कर लिया एमबीए का। इससे भी अगर और भी आप लोग के अंदर कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा कम एक्टिव रहता हूँ तो मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बट अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट करते हो तो मैं आप लोग को 100% मैं जितना ट्राई करूंगा, जितना मेरे से हो सके मैं हर चीज़ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। तो मिलते हैं गाइस फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।